आपके लिए सारे वन प्रदेश के फल ले आए। अभी भोग लगाइए, इन फलों से आपकी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। आज तो चमत्कार ही हो गया गणेश जी, जिन वृक्षों पर हम कभी नहीं चढ़ पाए आज बड़ी सरलता से चढ़ गए। ये सब आपकी कृपा है। जय जय श्री गणेश। अब तुम सब बातें बढ़ाते रहोगे या श्री गणेश को भोग भी लगाओगे? शीघ्र ताकि सारे फल यहाँ रख दो। अब और फल हम कहाँ से लाएं? फल तो हमें लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा श्री गणेश महाराज भूखे रह जाएंगे। अगर भगवान भूखा हो तो वह कभी संतोष नहीं हो सकता। परंतु फल हम कहाँ से लाएंगे? बकुल, इस वन प्रदेश में फल नहीं है तो क्या, और वन प्रदेश तो है, कहीं से भी लाकर हमें श्री गणेश को फलों का भोग लगाना है। अब फल तोड़ कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है बालको, मेरा पेट भर गया है। तुम सब थक भी गए होगे, बैठ जाओ। मंगल मूर्ति, आपकी आज्ञा से हम बैठ गए, परंतु हमें अपने दर्शन तो दीजिए। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता बल्लाल, समय आने पर तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। वो समय कब आएगा गणेश महाराज? उस समय के आने से पहले कोई और आ रहा है बल्लाल। कौन? गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ भाग चलने में ही भलाई है चंपक। हाँ, बल्लाल के बापू को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे बल्लाल के साथ हमें भी दंडित करें। हमें क्यों दंडित करेंगे? और तुम चिंता ना करो, गणेश महाराज है ना हमारे साथ। चिंतित तो तुम भी हो बकुल, अभी तो बड़ा साहस दिखा रहे थे। बल्लाल के बापू को देखते ही सबसे पहले तुम भागोगे? मैं क्यों भागूंगा, मैं तो अपने बापू को देखकर भी नहीं भागा। अपने बापू को देख कर तो हम भी नहीं भागेंगे, परंतु कल्याण सेठ के नाम से मुझे डर लगता है। अभी भी समय है, भाग चलो यहाँ से। ठहरो, यदि हम चारों भाग गए तो कल्याण सेठ का क्रोध हमारे बापुओं को दंडित करेगा। क्यों बल्लाल? इतना भी नहीं समझते? कल्याण सेठ को यहाँ हमारे बापू ही तो लेकर आ रहे हैं, उन्होंने बल्लाल को दोष दिया होगा और अकेले बल्लाल को देखकर। मैं जानता हूँ मंगल मूर्ति कि आप मेरी सहायता के लिए कैलाश से आए हैं, मेरी रक्षा के लिए इस मूर्ति में बैठे हैं। बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सब दंड के पात्र हो, परंतु पहले इस दुष्ट को दंडित करूंगा, क्योंकि इसने अपने बाप के नाम को कलंकित कर दिया। दुष्ट बालक, मेरी बात मान जाओ कल्याण सेठ, उसे दंडित करने का विचार अपने मन से निकाल दो।
मैंने उसकी चमत्कारी शक्ति को देखा है। बापू दुष्पल्लाल, सीधे सीधे मेरे साथ घर चल, अन्यथा इस चाबुक से मार मार कर तेरी दुर्दशा कर डालूंगा। तेरे कारण आज इन निर्धन किसानों ने कल्याण सेठ को अपमानित करने का दुस्साहस किया है। अरे इनमें तो मुझसे बात करने का साहस भी नहीं है। क्यों अपने पिता को तू कलंकित करना चाहता है? चल घर चल चल चल। मालूम कल्याण सेठ, लौटने में ही भलाई है। बल्लाल की मायावी शक्ति हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या बात है सेठानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंगला, बल्लाल और उसके पिता अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या अब तक नहीं लौटे? चिंता तो होगी ही। तू चिंता की छोड़, मेरा एक काम कर, अपने बेटे नंदू को भेज कर ये तो पता लगा कि ये दोनों अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। ना सेठानी ना, नंदू गया तो वो भी गणेश भक्ति में पड़ जाएगा। गाँव के सारे बच्चों पर तो बल्लाल ने गणेश भक्ति का जादू कर दिया है। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे भक्ति में पड़ गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? बातें बनाना छोड़ मंगला, आड़े समय में मैं ही तेरे काम आती हूँ। आज तू मेरे काम नहीं आएगी क्या? सेठानी जी, आज मुझे क्षमा करो, मैं अपने नंदू को ना भेजने की। क्यों? क्यों का मतलब तुम भी जानती हो सेठानी जी। मैं कुछ समझी नहीं मंगला, तुझे जो कुछ कहना है साफ साफ कह, क्या कहना चाहती है तू? सेठानी, कल्याण सेठ हाथ में चाबुक लेकर क्रोध से उफनते हुए बल्लाल को पीटने गए हैं। उनका ऐसा रूप देखकर मैं तो कांप उठी। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ सेठानी, गांव वालों ने बल्लाल पर आरोप लगाया था, जिसे सुनकर सेठ क्रोध से लाल पीले होकर गए हैं। ये सारे गांव वाले हाथ धोकर मेरे बल्लाल के पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं ये उसकी क्या हालत करेंगे। हे गणेश महाराज, मेरे बल्लाल की रक्षा करना, स्वामी का क्रोध भयानक है, कहीं मेरे फूल से बच्चे को। अनर्थ हो गया सेठानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रामदीन? होने का ना पूछो सेठानी जी, भगवान गणेश क्रोध से जाग गए हैं, अब इस गांव की रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे तुम कुछ बताओगे भी या यूं ही भयभीत करते रहोगे? सेठानी जी, कल्याण सेठ तुम्हारे बल्लाल को मारने के लिए चाबुक लेकर गए थे, लेकिन उनके चाबुक ने उनकी ही दुर्दशा कर दी। हाँ सेठानी जी, गणेश महाराज ने उनकी ऐसी दुर्दशा की कि पूछो मत। कल्याण सेठ जैसे ही चाबुक उठाकर बल्लाल पर प्रहार करना चाहते थे, उनके प्रहार ने उन्हीं की पीठ को लहूलुहान कर दिया। उनकी पीठ की पूरी खाल निकल गई है, रक्त की धारा बहने लगी है। सेठानी, सेठ जी वन में अचेत पड़े हैं। हे भगवान, हे गणेश महाराज, ये क्या हो गया? रक्षा करो गणेश महाराज, रक्षा करो। चलो मुझे लेकर चलो। अब क्या होगा?
होगा क्या? सुध में आने के बाद कल्याण सेठ हमें से किसी को छोड़ेगा नहीं। हाँ भैया, वो तो हमें ही दोष देगा। भैया, दुसु को दोष देना तो कल्याण सेठ का स्वभाव ही है। आज गणेश महाराज जी ने उसे दंडित कर उसे ठीक किया। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। वह बोल के बला सर्प लेना चाहता है, जानता नहीं कल्याण सेठ किसी को क्षमा नहीं करता, किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। हाँ भैया, अब कल्याण सेठ हम चारों को इस गांव में रहने नहीं देगा, हमारे खेत खलिहान सब छीन लेगा हमसे। परंतु हमने किया ही क्या है, जो कुछ किया है वो तो गणेश महाराज ने किया है। किया भले ही कुछ ना हो, परंतु इसे इस विपदा में डालने वाले हम ही तो हैं। न हम जाते इसको बुलाने के लिए और न ये आता और न गणेश महाराज जी आज इस पर क्रोधित होते। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो भैया, परंतु अब सोचने वाली बात ये है कि किया क्या जाए। हाँ भैया, भैया मेरी बुद्धि में तो कुछ आ ही नहीं रहा, अब तुम ही कुछ सोचो। मेरी समझ में आ रहा होता तो मैं तुमसे कहे पूछता, कल्याण सेठ के क्रोध से मेरी बुद्धि चकरा रही है भैया। मेरे विचार से इस प्रकार भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। जिन गणेश महाराज ने बल्लाल की रक्षा की है, हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। स्वामी, स्वामी, रक्षा करो भगवान, स्वामी, स्वामी, स्वामी। ये आपको क्या हो गया स्वामी, क्या हो गया? भगवान ने आपको किस पाप का दंड दिया है? उठिए ना स्वामी, स्वामी उठिए ना, आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए, उठिए ना स्वामी। दुष्ट बल्लाल, तेरे ही कारण तेरे पिता की ये दुर्दशा हुई है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे दुष्ट, पिता की तो पूजा की जाती है। उठिए ना स्वामी। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? शीघ्र इन्हें घर पहुंचाओ, वैद्य जी से इनका उपचार करवाओ, शीघ्रता करो। अपने पिता की शत्रु, तूने ही गणेश महाराज से अपने पिता की ये दुर्दशा करवाई है। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आज से ना मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा, समझा? Oh.